ये कहानी है तो बच्चों की। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार वो साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते शाम हो गई और फिर वो अपने घर जाने लगे। तो जब वो घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें जामुन का एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा था और उस पर जामुन भी लगे थे। तो उन जामुन को देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है और उनका मन करता है उन जामुन को खाने का। और फिर वो कोशिश करते हैं उन जामुन को तोड़ने की। वो खूब पत्थर फेंकते हैं लेकिन जामुन इतने ऊपर थे कि उनके पत्थर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हो रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उन्हें जामुन हासिल नहीं हो पाए और ये सब करने के बाद में वो निराश हो जाते हैं। और एक दोस्त दूसरे दोस्तों से कहता है कि यार प्रकृति ने हमारे साथ में ये बहुत ही गलत किया कि जो इतने मीठे मीठे छोटे छोटे जामुन हैं उन्हें तो इतना ऊपर रखा और जो बड़े बड़े तरबूज हैं वो बेल के सहारे जमीन पर होते हैं। वो दूसरा दोस्त कहता है कि यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, प्रकृति ने ना ये सही नहीं किया हमारे साथ। और जब दूसरा दोस्त ये बात कह रहा होता है तभी उसके सर पर एक छोटा सा जामुन का गुच्छा गिरता है और उसे हल्की सी लगती भी है। और ये देखकर वो पहला वाला दोस्त उस पर हंसने लगता है। और इसी दौरान उस पहले वाले दोस्त को एक बात समझ में आती है कि यार हम गलत थे, प्रकृति ने हमारे साथ में जो कुछ भी किया है वो सब सही है। क्योंकि अगर इन जामुन की जगह तरबूज ऊपर लटके होते और इन जामुन की जगह पर अगर तरबूज तेरे सर पर गिरा होता तो शायद आज तू जिंदा भी ना बच पाता। यानी प्रकृति ने जो भी हमारे साथ में किया है वो बिल्कुल सही किया है और जो भी हमारे साथ में हो रहा है वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है। हाँ वो अलग बात है कि हमें भला दिख नहीं रहा है लेकिन जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो भला हमारे लिए छिपा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम सबकी लाइफ में मुश्किलें हैं और हम सब कभी कभी ये सोचते हैं कि जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब भी जिंदगी आपको नीचे की ओर धकेलती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों धकेलती है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यूट्यूब पर अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आया, वो था तो ग्रेविटेशन पर यानी गुरुत्वाकर्षण पर, लेकिन उस वीडियो में लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, एक बहुत बड़ी सीख थी उसमें लाइफ की। उस वीडियो में क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ एक प्लेन सर्फेस था जो कि नीचे की ओर जा रहा था ढलान टाइप, और दूसरी तरफ एक और सर्फेस था जो सीधा नहीं था, अप डाउन टाइप था, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दो ये सर्फेस थे और इन दोनों सर्फेस पर एक स्टील की बॉल रखी हुई ऊपर की साइड जो कि आप देख सकते हैं। और अगर इन दोनों बॉल को हम एक साथ छोड़ेंगे तो कौन सी बॉल पहले बाउंड्री लाइन पर पहुंचेगी? मैं आपके सामने वो वीडियो प्ले करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि सेकंड वाली जो बॉल है वो पहले वाली बॉल के मुकाबले जल्दी बाउंड्री लाइन पर पहुंच गई। अब इसे लर्निंग क्या है कि जिंदगी आपको जितनी तेजी से नीचे धकेलती है उतनी ही तेजी से आपको ऊपर भी पहुंचाती है। या फिर ये कहें कि जिंदगी आपको नीचे धकेलती है ताकि आप ऊपर जा सको और बाकियों के मुकाबले जल्दी जा सको, उन लोगों के मुकाबले जिन्हें मुश्किलें नहीं मिलती। या फिर ये कहें कि जो अभी प्लेन सरफेस पर है, शेर अगर दो कदम पीछे हटाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब वो एक लंबी छलांग मारने वाला है। तो अगर जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है तो डटकर चलते रहो। चलते रहोगे तो सेकेंड बॉल की तरह एक न एक दिन बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर जाओगे, लेकिन अगर हार कर रुक गए तो फिर तो तुम और ज्यादा नीचे चले जाओगे। तो अगर जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ खेल खेल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है यानी कि सब कुछ प्लेन है तो फिर तुम खुद को चैलेंज लो, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी।